पहला मत दाता अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाता है, उसका नाम काट दिया। एक साथ जब चुनाव जिस दिन से शुरू होता है उस दिन से अगर सर्वे करें तो चुनावों की बिक्री बढ़ जाती है। एक प्रांत से दूसरे प्रांत बाकायदा निंदा की जानी चाहिए और उनको चेक किया जाना चाहिए, उनकी बाकायदा एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ये अपराध जन्य कार्य है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो बड़ी चिंता की बात है, लोगों ने जो एक एजेंसी ने जगह जगह सर्वे किए हैं उसमें ये पता चला है कि 12 से लेकर के 18% जो है मतदाता, उनके पास वोटर कार्ड भी है, सब चीज़ है, लेकिन उनके नाम काट दिए जाते हैं। तो या तो इसलिए काट दिए जाते हैं कि लोगों को ये लगता है जो सत्ता में लोग हैं कि ये लोग जो हमारे विपक्ष में जो लोग हैं उनके उनको समर्थन दे सकते हैं, तो इसलिए एक चिंता का विषय है। तो सारा का सारा इलेक्शन प्रोसेस ही उसमें जो है बेमानी हो जाती है। दूसरी बात, जिस तरह से सत्ताधारी दल दुरुपयोग करते हैं सरकारी गाड़ियों का, और हमारे समक्ष हुआ है कि सरकारी गाड़ियों में, सिक्योरिटी की गाड़ियों में, यहाँ पर एक जो बड़ा प्रतिष्ठान है व्यापारिक, उसने केंद्र सरकार की जो सुरक्षा उसको मिली हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और जगह जगह उसके माध्यम से अवैध रूप से पैसा भिजवाया है जो इस समय सत्ता में जो लोग हैं, तो उसको रोकने के लिए सिविल सोसाइटी को भी, लोगों को भी, सरकार को भी एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए। हमारी दूसरी मांग ये है। तीसरी मांग ये है कि शराब के कारण अभी 100 से ज़्यादा मौतें हो गई हैं, और चुनाव में सबसे ज़्यादा दुरुपयोग शराब का होता है। अब आप ये देखिए ना कि आप सांसद चुन रहे हैं और सांसद को फोन आए कि साहब हमारी शाम की व्यवस्था कर दीजिए 2-4 बोतल की, तो इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए जब तक जिस दिन से चुनाव की घोषणा होती है और जिस दिन तक जो है वोट पड़ता है, जिस दिन तब तक जो है शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, शराब का कारोबार बंद होना चाहिए। इसके लिए हमने प्रोफेसर सचान साहब इसका एक ड्राफ्ट बनाएंगे और परसों हम जो है यहाँ जो हमारा निर्वाचन विभाग है उसके मुखिया से मिलकर के केंद्रीय जो हमारा निर्वाचन आयोग है ये सारी चीज़ें उसको भेजने का काम करेंगे।